अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश खुर्रम आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज अमान में रखे। तो अभी मैं बनाने लगी थी चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी। इसके लिए ये मैंने मैक्रोनी बॉईल करने के लिए थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के बॉईल करने के लिए रख दी है, और साथ में मैं इसके लिए सॉस प्रिपेयर कर लेती हूँ। चिकन का मैंने कीमा लिया है। मैक्रोनीस बॉईल हो गई हैं, अभी मैं इनका पानी स्ट्रेन कर लूँगी और इसका सॉस बना लूँगी। मैंने कीमा लिया है चिकन का, उसके साथ और कुछ वेजिटेबल डाल के। ये मैंने पैन में ऑयल डाल ली है, अब इसमें मैं डालूंगी ये दो मीडियम ओनियन थे, मैंने इनको स्लाइस कर लिया और ये डालूंगी, और इनको बस हमें थोड़ा सा पकाना है 2 मिनट तक, इनका पिंक सा कलर करना है। अब इसमें मैं डालूंगी ये लहसुन अदरक का पेस्ट और ये हरी मिर्च एक मैंने इसमें डाल दी थी साथ में पेस्ट बना लेते हुए। इसको बस थोड़ा सा 1 मिनट भून लूँगी। और ये मेरे पास चिकन का कीमा है, आप चाहें तो चिकन भी डाल लें बोनलेस या मटन का कीमा डाल लें, जैसे मैं चिकन का डाल लूँगी। इसको 4-5 मिनट तक भून लेंगे। ये कीमा को मैंने 3-4 मिनट भूना है, इतना ही है ना सर, क्योंकि ये चिकन है तो बहुत ही जल्दी ये टेंडर हो जाते हैं। तो इसमें मैं ये स्पाइसेस डालूंगी। इसमें मैंने लिया है ये जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और गार्लिक पाउडर, साबुत जीरा, वाइट पेपर पाउडर, सॉल्ट और ये कुछ चिली फ्लेक्स। इनको मैं सबको इकट्ठे शामिल कर दूँगी और इसको 1 मिनट तक भून लेंगे। अगर मैं इसमें डालूंगी ये मैंने 1 चम्मच लिया है चिल्ली गार्लिक सॉस, ये डाल दूंगी, और ये टमाटो पेस्ट है 2 चम्मच मैं ये डालूंगी भर के। और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। और ये मैं थोड़े से लिया ये फ्रेश बीन्स, ग्रीन बीन्स और ये कैप्सिकम, पहले मैं ये ग्रीन बीन्स डाल दूँगी, इसको 2 मिनट तक भून लेंगे। अब ये कैप्सिकम इसमें डाल दूँगी, बस इसको 1 मिनट तक बस फ्राई करना है, क्योंकि कैप्सिकम मेरे बच्चों को क्रंची अच्छी लगती है। अब 1 मिनट भूनने के बाद ये मेरे पास है हरा धनिया और ये थोड़ा सा नीचे है हरी प्याज, ये फ्रोजन थी तो मैंने इसी में डाल लिया, तो ये मैं डाल दूँगी, 2-3 मिनट लीव भी मैंने डाली। और ये जो मैंने मैक्रोनी बॉईल की थी ये मैंने डाली और ऊपर से ये मैं डाल दूँगी, ये सारा मैंने सॉस बनाया था। बहुत डिलीशियस यम्मी मैक्रोनी रेडी है, ये हम गरम गरम खाएंगे क्योंकि मैक्रोनी ठंडी होकर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।